नमस्कार, अवेकनिंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। अवेकनिंग इंडिया, स्वामी विवेकानंद का वो सपना जो आज भी सपना है। जैसा हम हमेशा कहते हैं, इस कार्यक्रम का मकसद है स्वामी विवेकानंद के उस सपने को एक बार फिर युवाओं को याद दिलाना। युवा, यूथ, युवा शक्ति, ये वो शक्ति है जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीदें स्वामी विवेकानंद को थी। और क्यों उम्मीदें थी, ये भी बहुत साफ है। बहुत ऊर्जा होती है इस युवा शक्ति में, और ये ऊर्जा देश को एक दिन फिर विश्वगुरु बनाएगी। इस सपने के साथ स्वामी विवेकानंद ने अपने इस मिशन को शुरू किया था। मिशन आज भी जारी है। ज़रूरत है युवाओं को एक बार फिर स्वामी विवेकानंद के उस सपने को समझने की, और उसे पूरा करने में उनकी जो भूमिका बन सकती है या होनी चाहिए उसे समझने की। और इसमें मदद करते हैं कई खास मेहमान जो अपनी अपनी फील्ड्स में काम कर रहे हैं और जिनके जीवन पर स्वामी विवेकानंद के दर्शन का, उनकी शिक्षा का बहुत असर पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, क्योंकि युवा शक्ति, जैसा मैंने कहा, आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि आप मेहमान से सवाल पूछेंगे और साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद के इस अवेकनिंग इंडिया के सपने को आप समझ पाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजमेंट गुरु के नाम से मशहूर प्रोफेसर अरिंदम चौधरी, मेरे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है प्रोफेसर अरिंदम चौधरी। मैनेजमेंट गुरु होने के साथ साथ एमिनेंट राइटर भी हैं। युवाओं को मोटिवेट करने के लिए कई किताबें उन्होंने लिखी हैं, और साथ ही साथ मोटिवेशनल लेक्चर्स के जरिए भी वो युवाओं तक वो तमाम संदेश पहुंचाते हैं जो स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि उनके बाद भी युवा पहुंचाते रहें, और इस मकसद को आप आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। जैसा मैंने कहा कि युवा शक्ति की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम स्वामी विवेकानंद, आप युवाओं के बारे में क्या सोचते थे, स्वामी विवेकानंद के विचार युवा शक्ति के बारे में क्या थे, और क्यों उन्हें युवा शक्ति से इतनी उम्मीदें थी, इस पर एक नज़र डालें। युवा शक्ति किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य होती है। देश को सजाने संवारने में इस वर्ग की अहम भूमिका है। स्वामी विवेकानंद हमेशा फौलाद से स्नायु वाले और ऊर्जावान युवाओं का आह्वान किया करते थे। उनके मुताबिक युवाओं के लिए गीता पाठ के बजाय फुटबॉल खेलना बेहतर है, क्योंकि इससे उनकी शक्ति बढ़ेगी और वो स्वस्थ बनेंगे। शक्तिशाली युवा ही शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करते हैं। स्वामी जी शक्ति और स्वास्थ्य को मानसिक शक्ति के साथ जोड़ते थे, क्योंकि उनका ये प्रबल विश्वास था, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। युवाओं को सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा का अलख जगाना होगा और सामाजिक कुरीतियों व नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता लानी होगी। युवाओं को इस मकसद के लिए तैयार करने के लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत है। विवेकानंद का एक और विचार बहुत प्रबल था कि विश्व मंच पर भारत की पुनः प्रतिष्ठा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। वर्तमान जनगणना भी इस ओर इशारा करती है कि भारत दुनिया में युवा आबादी के मामले में सबसे आगे है। हमारे पास सबसे ज्यादा युवा शक्ति है जो स्वामी जी के सपने को पूरा कर सकती है। इस युवा शक्ति को सही दिशा देने की जरूरत है, और इसके लिए शिक्षा व्यवस्था और युवाओं की प्रतिभा के अनुसार उन्हें अवसर दिए जाने की जरूरत है। अगर युवा शक्ति के उत्थान के लिए उचित प्रयास नहीं किए जाते हैं तो व्यर्थ होगा, और कई बार ये भी देखा गया है कि नकारात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में भी ये युवा शक्ति शामिल हो जाती है। वर्तमान परिदृश्य में युवाओं को खुद की शक्ति को समझना होगा और अपनी ऊर्जा और शक्ति का सही मैनेजमेंट करना होगा। स्वामी जी ये भी कहते थे कि उलझन में फंसे युवा देश को भी आगे नहीं ले जा सकते। अवेकनिंग इंडिया का मकसद सिर्फ स्वामी जी के विचारों को युवाओं तक पहुंचाना ही नहीं, आज के प्रतियोगिता के समय में उनकी उलझन और जिज्ञासाओं को दूर करना भी है। और हम जब युवा शक्ति की बात करते हैं तो युवाओं की परेशानियां भी सामने रखनी पड़ती हैं, और बहुत व्यावहारिक समस्याएं होती हैं। मसलन युवा ये कहते हैं, देश के बारे में तब सोचेंगे जब पहले अपने बारे में सोच लें, अपने करियर के बारे में सोच लें। जो बच्चे या युवा अभाव में होते हैं वो भी नाम कमाते हैं,
कपिल देव मसलन एक ऐसा ही नाम रहे हैं अवेकनिंग इंडिया के इस खास एपिसोड के लिए। उन्होंने भी अपने मैसेज भेजे हैं और उन्हें भी हम कार्यक्रम के दौरान आगे इंक्लूड करेंगे। और कपिल देव भी आप ही की तरह यूथ आइकन रहे और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से आप कितने ही अभावों में हों, किसी भी परिस्थिति से आप आते हों, किसी भी पृष्ठभूमि से आप आते हों, आप तरक्की कर सकते हैं, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर अरिंदम चौधरी, जैसा मैंने एक शुरुआती सवाल किया, पहले तो ये समझना होगा कि ये राष्ट्रभक्ति या जिस राष्ट्र के बारे में सोचने पर स्वामी विवेकानंद का जोर था, वो राष्ट्रभक्ति क्या है? और वाकई में अगर ये कहते हैं कि हम पहले अपना करियर देखें, तो ये कोई गलत बात नहीं है? मेरे हिसाब से एकदम गलत बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपने बारे में ही ज़्यादा सोचता है और यही स्वाभाविक है। लेकिन ये एक नेचुरल जो अर्ज है हमारे अंदर अपने बारे में सोचने का, इसको हम किस दिशा में ले जाते, किस डायरेक्शन में ले जाते हैं, वो डिटरमिन करता है हम ठीक काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं और वो देश के लिए अच्छा होगा या खराब होगा। तो मैं हमेशा से ये मानते आता हूँ कि एम्बिशियस होना और अपने एम्बिशन को फॉलो करना, फॉलो योर ड्रीम और काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, ये जो चीज़ें और सोच जो मैं हमेशा से कहते आता हूँ, इसके पीछे एक ही चीज़ है कि अपना जो एम्बिशन है उसको ज़रूर आप पूरा करो, बी एम्बिशियस, लेकिन इसको ठीक डायरेक्शन देना ज़रूरी है। और मैंने अभी एक किताब लिखी थी, डिस्कवर द डायमंड इन यू, वहाँ पे आई स्पोक ऑफ 7 P's ऑफ सक्सेस, और जो 7th P मैंने एंड में लिखा, एंड आई डिडंट राइट इट क्योंकि मेरे को वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मैंने ये लिखा इसलिए क्योंकि मैं इस पर विश्वास करता हूँ कि 7th P इन आर लाइव्स हैज़ टू बी पेट्रियोटिज्म, क्योंकि अगर वो पेट्रियोटिज्म ना हो तो बाकी सब पैशन, परसिवरेंस, सब कुछ बेकार जाएगा। और इसको मैंने समझाया है एक वो जो डायमंड जब हम जांच करते हैं, उसको जांचने के मैंने 4 तरीके बताए हैं, उसमें जो 4th चीज जो कहते हैं डायमंड का, वो है क्लैरिटी। तो पहले तो आपका कैरेट आ जाता है, कट आ जाता है, आपका कलर आ जाता है, उसके बाद आता है क्लैरिटी। और एक कोई डायमंड हो वो बहुत अच्छे हाई कैरेट का हो सकता है, उसका जो कट है बहुत क्लीन हो सकता है, बहुत ब्यूटीफुल कट हो सकता है, और कलर भी बहुत अच्छा हो सकता है, वो देख के इतना ज़्यादा लाइट रिफ्रैक्ट करती है कि लोगों का आँख एकदम झलक जाए, जैसे जिसे कहते हैं स्पार्कल, उसके अंदर से बहुत अच्छा निकलता है। लेकिन फाइनल जब क्लैरिटी की बात आती है और लोग जब लेंस लगा के देखते हैं, तो अंदर काले धब्बे नज़र ज़रूर आते हैं कभी ना कभी। तो एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें काम वो करना चाहिए जिससे जो सही हो, और अगर हम सही काम करें और उसको पैशनेटली करें तो देश का उससे भलाई होगा, उससे कुछ देश का खराबी नहीं होगा। और एंड द कंट्री शुड ऑलवेज बी इन द बैक ऑफ योर माइंड। जैसा मैंने कहा कि कपिल देव भी हमारे साथ अवेकनिंग इंडिया में जुड़े और उन्होंने भी अपनी बात युवा शक्ति के बारे में रखी है, तो मैं चाहूंगा कि उसे भी हम यहाँ कार्यक्रम में शामिल करें और बताएं दर्शकों को कि कपिल देव अवेकनिंग इंडिया के बारे में, विवेकानंद के युवा शक्ति के बारे में विचारों पर क्या कहते हैं। जितना भी मुझे मालूम है उनके बारे में, स्कूल में पढ़ा हुआ तो थोड़ा बहुत RS भाजी स्कूल में उनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार में बता दिया करते थे, लेकिन अच्छा ये लगता था कि उन्होंने दुनिया में जब भी चक्कर लगाना या जो भी हम पढ़ते थे उस समय में, यही था कि वो दुनिया को पास में लाना चाहते थे, वो दूसरों की नॉलेज अपने में लाना चाहते थे और अपनी नॉलेज दूसरों में देना चाहते थे। ये सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ या मैं सब कुछ आपको बताना चाहता हूँ, उनका यही सोच थी कि मैं आपसे क्या सीख सकता हूँ। बाकी अच्छा ये लगता था कि उनका खेल के प्रति, शरीर के प्रति आप कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको लगाव था कि हर एक इंसान तंदुरुस्त होना चाहिए और जिसकी सेहत या हेल्थ अच्छी है वो आगे बढ़ने के उसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप जितने भी हम DAV स्कूल के पढ़े हुए हैं, तो वहाँ पर खेल का जो माहौल था बहुत ज़्यादा रखते थे, यही कहते थे कि खेल होना चाहिए क्योंकि तंदुरुस्त इंसान तंदुरुस्त स्कूल बनता है, देश बनता है, स्टेट बनता है। तो ये एक उनकी सोच थी उस समय में, जो आज हम कहते हैं कि हम किताबों में
घुस गए हैं, हमें नंबर लेने चाहिए, लेकिन उनका ये मानना था कि हाँ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, नॉलेज बहुत ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और ध्यान रखें। इसके ऊपर एक पूरा होता था। और वो आज जो ये मेडिटेशन की बात करते हैं, शायद 150 साल पहले वो इस चीज़ की घोषणा करते थे और बताते थे कि मेडिटेशन अपने आप में, अपने आप के लिए वक्त होना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए कि आप अपने से बाहर मत निकल सको, आपा मत छोड़ो। और इससे बड़ी क्या बात होगी कि वो जो 150 साल पुरानी थी, आज वो किताबों में आकर उसको रिफाइन करके एक योगा का आप कह सकते हैं या आप किसी तरफ भी कह सकते हैं, वो तब बताया करते थे, आज हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आपने जो बात कही और अभी हम कपिल देव साहब की बात सुन रहे थे, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि हम अभी से ये सब पेट्रियाटिज़म के बारे में, देशभक्ति के बारे में, राष्ट्रभक्ति के बारे में, मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, ये सब सोचना शुरू करेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, थोड़ा समस्याप्रद हो जाएगी वो बात। इसे सही तरीके से कैसे समझा जाए, इस बात का जिस्ट क्या है, वो क्या अप्लाई करें आपको जो दर्शक टेलीविजन के जरिए। इस बात का जिस्ट ये है कि जो कृष्णा ने भी कहा और गीता में लिखा हुआ है, इसका जिस्ट भी गीता में ही लिखा हुआ है, उन्होंने ये कहा कि अगर यू वॉन्ट टू रीच मी और आपको भगवान तक पहुंचना है तो कर्म किए जा, की वर्किंग, डोंट गो टू अ टेम्पल टू वर्शिप। आप एक मंदिर में जाके अगर पूजा करेंगे और सारा दिन गीता पढ़ते रहेंगे कि मैं गीता पढ़ पढ़ के भगवान के पास पहुंच जाऊंगा, तो नहीं पहुंचेंगे। आपको अगर भगवान के पास भी पहुंचना है, आपको अगर स्वर्ग में पहुंचना है, तो आप बाहर जाओ और अपना जो पैशन है, जो जुनून है, उसे चेस करो। और यूथ के लिए देयर इज नथिंग एल्स, जो एक यूथ का जो अंदर का स्पिरिट, पैशन, सब कुछ बाहर ला सकता है, मोर इंपॉर्टेंट देन स्पोर्ट्स। जो यूथ स्पोर्ट्स में फोकस ज्यादा देता है, जो अच्छी तरह से अपने हेल्थ के ऊपर फोकस ज्यादा देता है, हिज 360 डिग्री ग्रोथ इज फार मोर देन जो सिर्फ गीता पढ़ते रहे, अच्छा करूंगा मैं, सिर्फ पढ़ाई करूंगा। गीता इज नॉट जस्ट गीता, गीता इज ऑल्सो कि आप सिर्फ पढ़ते रहें तो आप 360 डिग्री पर्सनैलिटी नहीं बन पाएंगे। आपको अगर 360 डिग्री पर्सनैलिटी बनना है तो वो वीडियो गेम छोड़ना पड़ेगा, वो यू नो कंप्यूटर गेम्स छोड़ना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकल के फेसबुक से बाहर निकल के रियल लोगों के साथ इंटरैक्ट करके, उनके साथ खेल कूद करके। द मोर आई रियलाइज कि जिस तरह से स्पोर्ट्स यूथ के अंदर के स्पिरिट को बाहर ला सकता है इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, चैनलाइजिंग ऑल योर एनर्जीज टूवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वही जिस्ट था जो स्वामी विवेकानंद ने कहा उसके पीछे, कि आपको जितना एनर्जी है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करना है, और वो अगर करना है तो यू मस्ट कम आउट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि हम सोचते बहुत हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, फिलोसफीज की बातें बहुत करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करना है, जैसा आपने कहा कि सिर्फ खेल के लिए नहीं, किसी भी काम के लिए आप आगे बढ़िए और उसे काम को करना शुरू करिए। वो सिर्फ स्टूडेंट्स पर लागू नहीं होता, वो प्रोफेशनल्स पर भी लागू होता है कि वो प्लानिंग्स बड़ी बड़ी बना रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं, एक्शन नहीं कर रहे हैं। इस पर और डिटेल में आपसे बात करता हूं, लेकिन एक ब्रेक उससे पहले लेना है, और ब्रेक पर जाने से पहले हमेशा की तरह स्वामी विवेकानंद के एक मजबूत विचार के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। मेरे बच्चों, हमें चाहिए लोहे जैसी मांसपेशियां और फौलाद जैसे स्नायु जिसमें वज्र सा मन निवास करे। सिनी जगत की अवार्ड विनिंग फिल्म जहां भाषाओं का है इंद्रधनुष, भारत के जाने माने निर्देशकों की बेहतरीन फिल्में, आपसे जुड़ी आपकी कहानियां जो दिखाएं समाज का आईना। देखिए बेस्ट ऑफ इंडियन सिनेमा हर रविवार रात 10 बजे और सोमवार रात 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और हमने जो स्वामी विवेकानंद का विचार भी ब्रेक से पहले दिखाया, जो बात भी कर रहे थे, या जैसा आपने कहा कि आपकी नई किताब कल्ट में पूरा एक चैप्टर आपने हेल्थ पर लिखा है,
जो युवा होते हैं वो सोचते हैं कि हेल्थ से उनका क्या सरोकार है, वो तो वैसे ही फिट हैं एकदम, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जब इस हेल्थ की ज़रूरत होगी तब वो शरीर कितना साथ दे पाएगा। तो मैं चाहूँगा कि वो बात जो आपने किताब पे लिखी है वो बच्चे जो आपको टेलीविज़न के ज़रिए सुन रहे हैं या मौजूद हैं उन्हें भी बताएं कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट। ज़रूर, जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो जब किसी का विश आता था, न्यू ईयर्स विश, बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस, बड़ा अजीब लगता था, क्या स्टूपिड विश है, मतलब एक्साइटिंग होना चाहिए, यू नो व्हाट इज दिस बेस्ट ऑफ हेल्थ, समझ में नहीं आता था। बट अब 40 साल का हो गया हूँ, समझने लगा हूँ, और कुछ कुछ चीज़ें अगर लोगों को पहले से समझ आ जाए और भी अच्छा है। आजकल का जो हमारा लाइफ है उसमें जितना स्ट्रेस है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और ये तो स्कूल से, कॉलेज क्या, स्कूल से दिखने में आता है। आज मैं अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ने जाता हूँ, द अमाउंट ऑफ ओबेसिटी आई सी इन स्कूल, जितने मोटे बच्चे मैं स्कूल में देखता हूँ मेरे को खराब लगता है। मतलब मैं अपने बेटे के दोस्तों को ये समझा के पागल हो गया हूँ, बाहर आओ खेलो और पतले हो, ask them to go out and play, that's really important. Physical workout is very important. सिर्फ दिमाग मत चलाइए और आप अपनी जगह एक जगह पे बैठे मत रहिए। From the age of zero, आज के डेट में जब बच्चे पैदा होते हैं तब डॉक्टर्स बोलते हैं कि उनका पैर दिन में 15 बार हिलाइए अच्छी तरह से, ताकि बचपन से ही एक फैट ना जम जाए। जैसा हमने कपिल देव जी को भी इंक्लूड किया तो उन्हें देखकर थोड़ा और इंस्पिरेशन मिलती है कि आपने अपनी उम्र डिस्क्लोज करी, ये भी बहुत करेजियस काम है और वो आपसे भी ज़्यादा उम्र के होकर आज भी यंग दिखते हैं, फिट दिखते हैं और आज भी युवाओं को वो लेक्चर दे पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को फॉलो भी किया। तो एक बार फिर उन्हें सुनते हैं कि वो युवा शक्ति के बारे में क्या कह रहे हैं। इंसान, एक यूथ अपने आप को लेकर पूरी दुनिया का भ्रम के लिए निकले और अपना ये था कि मैं बाहर जाकर क्या सीख सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ। उस उम्र में आपके बहुत से और थॉट्स होते हैं कि मुझे ये करना, उनका एक था कि मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ और मैं जितना भी वो हिंदुस्तान की सभ्यता के बारे में सीखे वो जाके दूसरों को देना चाहते थे, बताना चाहते थे कि हम इस तरह रहना चाहते हैं और रहना चाहिए। इस तरह की सोच रखनी 150 साल पहले, आज यहाँ से बॉम्बे जाना हो तो आदमी का हालत ख़राब हो जाती है और उन्होंने उस समय 150 साल पहले जब आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि आप अभी निकले और शाम तक वहाँ पहुँच गए, उसके लिए घर बार छोड़कर एक सोच रखकर आप दुनिया के चक्कर लगाते हैं और वो सोच आज शायद इसीलिए विवेकानंद जी की जब भी बात करते हैं तो कहते हैं कि उनकी सोच शायद उस ज़माने में बहुत आगे थी और वो सोच रखनी एक बहुत बड़ी बात होती है। पर आज के युवा की व्यवहारिक समस्याएं समझनी, यानी वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चैलेंजेस देखता है और उसे किन चीज़ों की ज़रूरत है, यानी उसे किस तरह के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो वो बेहतर युवा ही बता सकता है। मैं चाहूँगा आप अपने सवाल पूछें, हम आपसे शुरुआत करते हैं, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरा प्रश्न आपसे ये था कि विवेकानंद जी कहा करते थे कि पानी को अनुशासित कर देने से नदी बन जाती है, हवा को अनुशासित कर दो तो ध्वनि बन जाती है, वैसे ही युवाओं को आज अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो क्या सर भारतीय शिक्षा प्रणाली में ऐसे बदलाव किए जाने चाहिए जिससे 360 डिग्री पर्सनालिटी बन सके? ये एक अच्छा सवाल इसलिए क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के बारे में हमेशा सवाल उठता है और कहा जाता है कि युवाओं से इतनी उम्मीदें हैं तो जहां उन्हें शिक्षा दे रहे हो वहां पर ये सारी चीज़ें डालो। ये अनुशासित करने के बजाय मैं कहूँगा कि उनको अगर आप खुला छोड़ दो तो जिस तरह की अनुशासन की बात कहते थे विवेकानंद वो शायद हो जाए। हमारे जो स्कूलिंग सिस्टम है उसमें थोड़ा ज़्यादा ही फोकस है ऑन स्ट्रक्चर्स, ऑन सिलेबस, ऑन अ कोर्स कंटेंट, और इसीलिए हम लोगों का जो 360 डिग्री पर्सनालिटी है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। हमें चाहिए कि बच्चों को छोड़ दिया जाए, छोड़ के उनको ना सिर्फ खेलने दिया जाए, उनको बोला जाए आपको क्या अच्छा लगता है आप खुद बताओ और उसको फॉलो करो, और उनके अंदर अलग अलग चीज़ों का जो सीड है वो उनके अंदर दिया जाए कि सो दैट दे फ्लावर टुमारो एज ग्रेटर ह्यूमन बीइंग्स, एज पीपल जो एनवायरनमेंट के प्रति उनका फीलिंग्स है, ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर फीलिंग्स है, एनिमल्स के ऊपर फीलिंग्स है, एंड
एंड देन लीव देम फ्री। ये मत बोलो कि यार तेरे को बड़े होके मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, छोड़ दो, आगे बढ़ने दो और अपना डायरेक्शन वो खुद चुन लेंगे इफ वी अलाउ देम। हम युवाओं पर सारा बोझ डाल रहे हैं के बजाय है, थोड़ा पेरेंट्स को या जिनके हाथ में युवा बनने तक की जिम्मेदारी रहती है उन्हें भी इस पर विचार करना चाहिए। एब्सोल्युटली, अगर वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाए, अगर वो अपने आप को ज्यादा अनुशासित कर ले जी कि आई हैव टू बिकम अ बेटर फादर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन फोकसिंग ऑन मेकिंग माय सन अ बेटर सन। और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना कि आई स्पेंड क्वालिटी टाइम, दिस इज द बिगेस्ट फ्लॉ ऑफ पेरेंटिंग। इससे क्या होता है, वो लोग टाइम स्पेंड नहीं करते हैं और टाइम स्पेंड नहीं करके 5 मिनट टाइम स्पेंड करके काफी गिफ्ट्स वगैरह दे देते हैं, सोचते हैं आई स्पेंड अ लॉट ऑफ क्वालिटी टाइम। वो क्वालिटी नहीं होता है। द ओनली वे, जिस तरह से बच्चों को बड़ा कर सकते हैं, देयर इज ओनली वन वे एंड दैट इज क्वांटिटी टाइम। चलिए क्वांटिटी टाइम पर फोकस करने के लिए आपका सवाल पूछिए। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारी पढ़ाई ऐसी हो जाती है कि सुबह से लेकर शाम तक वी आर स्टिक इन यूनिवर्सिटी, तो हमारे लिए एक्स्ट्रा करिकुलर टाइम ही नहीं मिला सर खेलने के लिए। कॉलेज में भी 8:30 to 5 वी आर हैविंग अ शेड्यूल्ड क्लासेस, तो क्या सर ऐसा नहीं होता है कि एजुकेशन की बोझ की वजह से वी आर नॉट गेटिंग आर ओन टाइम, क्योंकि वापस जाने के वक्त हम लोग इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलरली टाइम ही नहीं मिलता है। ट्रूथफुली जो स्पोर्ट्स है उसका रियल टाइम है स्कूल टाइम में, एंड स्कूल में अगर अच्छी तरह से उसका एनकरेजमेंट मिला हो और बच्चा उसका आदत बन चुका हो खेलने का, तो वो ज़रूर टाइम निकाल लेता है। ये मैं मोटिवेशन में कहता हूँ, एक आदमी थका हारा सारा दिन काम के बाद आता है, उसको बोलो कि चलो सब्जी खरीदने जाते हैं, मैं बड़ा थका हुआ। बेटा बोले चल पापा फुटबॉल खेलने जाते हैं, वो फुटबॉल खेलने जाता है, 1.5 घंटा फुटबॉल खेल के आता है, थका हारा आया था। वो जाता है, हल्ला करता है, चिल्ला चिल्ला के 1.5 घंटा खेल के और आता है। सो दैट्स पैशन, और एंड दैट इज दिस पैशन फॉर स्पोर्ट्स जो अंदर से बाहर निकाल सकती है। तो जितना मर्जी पढ़ाई हो, आपको अगर लत है स्पोर्ट्स का, वो निकलता नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पॉपुलेशन में भले ही चाइना आगे है, लेकिन यूथ इंडिया में ज़्यादा है, लेकिन ये नशे का दीमक है जो वो आज हमारे यूथ को खाता जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि ये सिर्फ यूथ की सेहत के लिए नहीं बल्कि देश की प्रगति की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है? अगेन, ये जो ये नशे का जो प्रॉब्लम है, इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू पेरेंटिंग एंड स्कूलिंग। आप बच्चे के ऊपर प्रेशर देंगे, आप बच्चे को ये नहीं फील करने देंगे कि ही इज़ अ विनर, आप अगर उसे लूज़र फील करवाएंगे, फेलियर फील करवाएंगे, आप फील करवाएंगे तो किसी काम का नहीं है, आप उसे प्यार नहीं देंगे, देन ही गोज अबाउट फाइंडिंग वेरियस वेज। और उस टाइम रोकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब इट्स एक इलाज करना पड़ता है, और कितने बच्चों को पकड़ के इलाज के थ्रू ठीक किया जाता है, इट्स वेरी टफ। इसलिए हमें पहले ही रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स और टीचर्स के तरह उनको सही एग्जाम्पल्स, सही स्टोरीज, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। हम लोग क्या करते हैं, उनको किताबों जो स्कूल की किताब वो पढ़ाने में पागल हो जाते हैं, और जिनमें उनको इंटरेस्ट नहीं है, जिन स्टोरीज में उनको इंटरेस्ट हो सकता है, विवेकानंद का स्टोरी, अमर चित्र कथा के थ्रू शिवाजी का स्टोरी, हर्षवर्धन का स्टोरी, अशोक नहीं, हम उसको अशोका की ऐसे करके स्टोरी बोलेंगे, ही प्लांटेड ट्रीज इन दिस ईयर एंड दिस ईयर ही डाइड, वो फिर वो सोने लग जाता है हिस्ट्री के क्लास में। उसको हमें इस तरह से पढ़ाना है, व्हाट इज द इंस्पिरेशन टू टेक आउट ऑफ अशोकास लाइफ, दैट शिवाजी। अच्छा, आपने जो बात कही वो दिलचस्प इसलिए है क्योंकि पंचतंत्र जो बना था वो इस यही बेस था उसका। Absolutely. जब वो कहानियां लिखी गई थी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियों के जरिए सिखाया जा रहा था। इंटरेस्टिंग वे में आप सिखा दो कि देखो शिवाजी कितना अच्छा आदमी था, ही यूज्ड टू फाइट फॉर वुमेन्स राइट्स एंड ही वुड नेवर पिंच अ वुमन। नाउ व्हेन यू आर ग्रोइंग अप एंड ही बिकम्स योर हीरो, कि वो उस औरत को बचाने के लिए लड़ पड़ा था, देन यू हैव दैट इंस्टिंक्ट, आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट जाग जाएगा और आप भी रास्ते में जाके किसी को छेड़ने के बदले में उसे बचाएंगे। जहाँ यूथ और लीडर्स की बात आती है, सो यूथ जो है आगे जाके किसी टाइम पे खुद एक लीडर्स बनेंगे, अपने आदर्श बनाएंगे लोगों को, तो जो अभी पॉलिटिक्स में देखा जा रहा है, जैसे जो यूथ हैं वो खुद तो डरते ही हैं, उनके पेरेंट्स भी डरते हैं, जो डर बैठ गया है वो डर को कैसे भगाया जाए? डर तो आपके अंदर की बात है,
आप चोरी करोगे तो डर रहेगा, आप गुंडागर्दी करोगे तो डर रहेगा कि अभी पकड़ा जाऊंगा, जेल के अंदर फंसूंगा। सही काम करोगे तो किस चीज का डर है? टेल मी एन ऑनेस्ट मैन, एक सच्चा आदमी जो डर के मारे बैठा हुआ है, कोई नहीं। डर उसी को है जो दो नंबर ही कर रहा है। सो इफ यू, अगर आप वो चीज, वो पाथ चूज करेंगे विच इज करेक्ट एंड राइट, तो डर अपने आप नहीं रहेगा, आपको भगाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। सो इट्स अबाउट योर थॉट्स, एंड जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि यू मस्ट बिकम फियरलेस, और वो फियरलेसनेस तभी आएगा, यू कैन बी फियर, आज आप फियरलेस हो सकते हैं। जितना आप आगे बढ़ने के लिए, तरक्की का मतलब अगर गलत काम है, हम लोग आजकल कहते हैं कि बी स्ट्रीट स्मार्ट, सबसे गलत एडवाइस पेरेंट्स जो दे सकते हैं वो है तू स्ट्रीट स्मार्ट बन। स्ट्रीट स्मार्ट बनने का मतलब ही है तू इधर काट उधर काट, अपना काम निकाल किसी तरह से, अपना किसी तरह से नहीं, वो स्ट्रीट स्मार्ट बनते बनते डर अपने आप बैठ जाएगा, उसके बाद आप काम कम करोगे, भगवान के सामने ज्यादा सही तरीके से आप उसके बाद कोई काम नहीं कर पाएंगे, अगर आप शुरुआती दौर पर सही तरीके से काम नहीं करते हैं और फिर हम सिस्टम को कोसते हैं और तमाम चीजें कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी मेरा मकसद शो में अवेकनिंग इंडिया में अरिंदम चौधरी जुड़े हैं तो वो इंटरेस्टिंग वे में ही अभी बताएंगे कि प्रैक्टिकली किस तरह से लाइफ में इन चीजों को शामिल किया जा सकता है या कैसे ये युवा अपने जीवन को आगे बढ़ाएं कि अवेकनिंग इंडिया और अपना करियर ये दोनों वो साथ में लेकर चल पाए। लेकिन एक हफ्ते आपके, आपको इसके लिए इंतजार करना होगा। अगले हफ्ते अरिंदम चौधरी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही साथ कपिल देव साहब से हमारी कुछ और बात हुई युवाओं के बारे में, युवा शक्ति के बारे में, वो भी हम अवेकनिंग इंडिया के जरिए आपके सामने रखेंगे। अगले हफ्ते अवेकनिंग इंडिया में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके लिए मेरी और अरिंदम जी की तरफ से तालियां, क्योंकि युवा शक्तियों से बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीदें हमेशा विवेकानंद को रही हैं। और जाते जाते आपके सुझाव भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। awakeningindia.dd@gmail.com हमारा ईमेल एड्रेस है, awakeningindia.dd@gmail.com। अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। समस्त पूजा अर्चना का यही सार है, पवित्र होना और दूसरों का भला करना। जो दीन हीन में, दुर्बल में एवं रोगी में शिव को देखता है, वही वास्तव में शिव की पूजा कर रहा है। और यदि कोई केवल एक प्रतिमा में शिव को देखता है तो उसकी पूजा प्रारंभिक मात्र है।